two souls colliding. We shared the pieces of ourselves. It's perfect time. तो हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में आप सभी को Redmi Note 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9T न्यू अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे इन तीनों डिवाइसेस के लिए फाइनली स्टेबल में अपडेट्स रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ डिवाइसेस में इंडिया में अभी तक नहीं आए हैं, तो इंडिया में कब तक आएंगे इस वाली वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी जरूर से यहाँ पे कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले डिवाइस की बात करें, Redmi Note 9। तो यहाँ पे यूरोप स्टेबल में 13.0.3.0 का ग्लोबल के बाद ये यहाँ का पहला डिजन है जिसमें MIUI 13 Android 12 स्टेबल में रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। इसके डाउनलोडिंग्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं, और इसी के साथ अपडेट का साइज़ 2.8 GB का हम सभी को देखने के लिए मिल जाता है MIUI 12.5 Android 11 से। और इसी के साथ यहाँ पे एक और रीज़न के लिए अपडेट रिलीज़ हो चुका है 13.0.3.0 का इंडोनेशिया स्टेबल अपडेट Redmi Note 9 डिवाइस के लिए। इसी के साथ इस वाले अपडेट का साइज़ भी यहाँ पे हमें 2.8 GB का MIUI 12.5 से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे इन दो डिवाइसेस के लिए अपडेट्स रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक प्रूफ और दिखा देता हूँ, इंडिया में भी एक न्यू वर्ज़न बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ किया जाने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैं पूरा आर्टिकल भी अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका था। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर आप जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था Redmi Note 9 13.0.3.0 यूरोप स्टेबल, 13.0.3.0 इंडिया स्टेबल, 13.0.3.0 इंडोनेशिया स्टेबल। तो यहाँ पे यूरोप इंडोनेशिया में आ चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं आया है। और अब इंडिया में 13.0.4.0 का एक न्यू अपडेट यहाँ पे प्रिपेयर में है, और यहाँ पे वो प्रिपेयर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब उसको यहाँ पे बहुत ही जल्द रिलीज़ भी कर दिया जाने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मेरा मतलब मैं एक पोस्ट अपने वेबसाइट पे पोस्ट कर चुका हूँ। आप जा कर के उसको चेकआउट वहाँ से कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं Redmi 9 Prime की। तो यहाँ पे Redmi 9 Prime के लिए 13.0.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट MI पायलट में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इसको अभी तक पब्लिक में रिलीज़ नहीं किया गया है। तो होपफुली इस वाले हफ्ते में 2.6 GB के साइज़ में यहाँ पर पब्लिक यूज़र्स के लिए Redmi 9 Prime के लिए MIUI 13 इंडिया में रिलीज़ किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं Redmi 9 Power की। तो यहाँ पे Redmi 9 Power के लिए MIUI 13.0.2.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट यहाँ पे पब्लिक के लिए भी फाइनली रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अपडेट का साइज़ 675 MB आपको पिछले वर्जन से देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अगर आप MIUI 12.5 से हैं तो आपके लिए अपडेट का साइज़ 3.1 GB का यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है कि यहाँ पे Redmi Note 9 के लिए 13.0.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट, Redmi 9 Prime के लिए पब्लिक में 13.0.1.0 इंडिया स्टेबल अपडेट, और Redmi 9 Power में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि Redmi 9T में अभी ग्लोबल में ही पब्लिक में रिलीज़ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यही थी पूरी आज की डिटेल वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आप इस वाले यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी जरूर से यहाँ पे कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।